रायबरेली पुलिस ने 300 कैमरे खंगालने के बाद लूट को अंजाम देने वाले दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के रहने वाले दोनों सगे भाई कानपुर में रहकर रायबरेली में चोरी छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे। पुलिस ने यहां से उन्नाव होते हुए कानपुर तक 300 सीसीटीवी खंगाले हैं। तब कानपुर में इनकी लोकेशन ट्रेस हुई, पुलिस इनकी तलाश में थी। तभी लालगंज में वाहन चेकिंग के दौरान ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मामला बीते 17 अक्टूबर का है। यहां लालगंज थाना इलाके के लालगंज कस्बे में अमरपाल अपनी पत्नी बबीता के साथ SBI बैंक से 1 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे थे। तभी टोल प्लाजा से पहले गंगापुर बरस गांव के पास रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार दो बदमाशों ने महिला को रोक लिया। रोकने के बाद बदमाशों ने महिला को बाइक से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गिराने के बाद दोनों बदमाश रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। भागते समय दोनों लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रहने वाले सगे भाई अमर सिंह व मन्नू नट को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए दोनों लुटेरों ने पूछताछ में गुरुबख्शगंज और डलमऊ थाना क्षेत्र में की गई दो अन्य चोरी की वारदातों को कबूला है। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित 1,10,000 रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात व अवैध तमंचे तथा कारतूस भी बरामद किए हैं। क्या खुलासा हुआ? देखिए, आज जनपद रायबरेली में एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें दो अभियुक्त अमर सिंह और उसका भाई मनु की गिरफ्तारी हुई है। दोनों लोग छत्तीसगढ़ के जनपद जसपुर के रहने वाले हैं और यूपी में और अगल बगल के रायबरेली के अगल बगल के जनपदों में लूट, चोरी, छिनैती, नकबजनी के अपराधों को कारित करते हैं। इसी क्रम में इनके द्वारा एक अपराध 17/10 को हमारे जनपद में कारित किया गया था। एक दंपत्ति से इनके द्वारा 1 लाख रुपया था, उस दंपत्ति ने बैंक से निकाला था। वो बैग लूट के ये लोग भागे थे। भागते टाइम इनका सीसीटीवी फुटेज में फ़ोटो हम लोगों को मिल गए थे। पहचान करते करते इनके बारे में पता चला, पुलिस इनकी तलाश में थी। SOG सर्विलांस की टीम कल इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी जिस पे इन्होंने घटना की है, पल्सर बाइक, वो भी बरामद हुई है। इनके पास से कट्टा बरामद हुआ है, 1,10,000 रुपया बरामद हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने जनपद रायबरेली में एक दो नकबजनी की घटना को अंजाम दिया था, जो घटना अनावरण हुई है। सर, जो अभियुक्त हैं ये गिरफ्तार, इनके कई और मामले होंगे, कहाँ से क्या है? देखिए, अंतर्राज्यीय गैंग है और इनके द्वारा बताया गया कि इनके परिवार में और जो लोग हैं वो भी इसी तरह की घटना करते हैं। इनके ऊपर उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में काफ़ी अभियोग पंजीकृत हैं, जिसका हमने आपराधिक इतिहास इसमें प्रेस नोट में लगाया है और केस डायरी का हिस्सा भी बनाएंगे। ये एक अच्छा गैंग पुलिस की पकड़ में आया है, जो काफ़ी दिनों से अगल बगल के जनपदों में और हमारे जनपद में घटनाएं कर रहा था। ये कौन है आपस में इनके रिश्ते के? ये आपस में दोनों भाई हैं और सगे भाई हैं? जी, सगे भाई हैं और दोनों के द्वारा ये भी बताया गया कि इनके जो अन्य पारिवारिक लोग हैं वो भी इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें सर्विलांस की टीम में चंद्र प्रकाश और SOG की टीम में प्रमोद और SHO लालगंज संजय, एडिशनल SP साहब ने मेहनत किया है। पूरी पुलिस टीम को 20,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया गया। अच्छा, इन लोगों को मोबाइल ये बताया गया कि नहीं यूज़ करते, तो फिर ये कैसे पकड़े गए? लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल इन लोगों ने घटना में नहीं किया। मोबाइल ये लोग छोड़ के आते हैं और बैंक में रैकी करते हैं, जैसा इस बार इनका मोडस ऑपरेंडी देखा गया कि घुस के बैंक के अंदर ये लोग घूमते रहते हैं और जो इस तरीके का व्यक्ति मिलता है कि पैसे अनसेफ तरीके से कैरी करता है, उसको ये लोग टारगेट करके उसके पीछे अपनी बाइक से लगा के और जहाँ मौका लगता है वहाँ पर झपट्टा मार के उसका बैग लेके भाग जाते हैं। मोबाइल इनके द्वारा उपयोग नहीं किया गया, लेकिन जो ऑपरेशन त्रिनेत्र UP पुलिस के द्वारा चलाया गया था, जिसके वजह से जगह जगह पर अच्छे कैमरे लगाए गए थे, पुलिस विभाग के द्वारा भी लगाए गए थे, जन सहयोग के द्वारा भी और प्राइवेट लोगों के द्वारा भी लगाए गए थे, उसमें इनके फ़ोटो क्लियर आए हैं, जिसकी वजह से इनकी पहचान हो पाई है। निवास कहाँ कर रहे थे? ये कानपुर में रुके हुए थे अपने रिश्तेदारी में, रहने वाले मूलतः जसपुर छत्तीसगढ़ के हैं। नहीं, ये दो ही हमारे यहीं पे पकड़े गए हैं। कितने CCTV फुटेज खंगाले होंगे? देखिए, यहाँ से लेके उन्नाव तक, कानपुर तक, अन्य जनपदों में लगभग 3 दिन तक पुलिस ने सैकड़ों कैमरे इसमें खंगाले हैं, तब जाकर ये लोग मिले।